हर रोज ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हत्यारा बाप अनाथ बच्चे। सुंदरवन जंगल में मोंटू छुड़ा अपनी पत्नी टोनी के देहांत के बाद अपने बच्चों को सारी खुशी देते हुए अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुशहाली से रह रहा था और वह अपने बच्चों को बहुत ही प्यार करता था। एक दिन कालू कौवा सुंदरवन जंगल में बहुत ही देर से शेर कर रहा था और उसकी नजर मोंटू छुड़ा के बच्चों पर पड़ गई और वह बच्चों को बहुत ही गौर से देखने लगा और उनको देखने के बाद बोलता अपने आप से, वाह कालू, ये बच्चे कितने सुंदर है और ये बहुत ही प्यारे है, क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले चलूं। कुछ देर बाद मोंटू छुड़ा अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आ जाता है। बच्चे मोंटू देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, पापा तुम कहाँ गए थे, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए दाना लेने गया था। कौवा पेड़ के ऊपर बैठकर सब कुछ देख रहा था। फिर मोंटू बोलता है, जो अभी तुम बहुत ही छोटे हो इसलिए तुम घोंसले से बाहर मत आया करो, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारे पर हो जाएंगे फिर मेरे साथ तुम भी चलना। ठीक है पापा, तो अभी तुम अपना ध्यान रखो, मैं तोते महाराज से मिलकर आता हूँ। जैसे ही मोंटू चला तोते महाराज से मिलने जाता है वैसे ही कालू कौवा वहाँ पर प्रकट हो जाता है और वे दुष्ट कालू कौवा दोनों बच्चों को डराने लगता है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और दोनों बच्चे दुष्ट कालू कौवे को देखकर बहुत ही ज्यादा डरते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन गुड लक तभी वहाँ पर मोंटू चिड़ा आ जाता है, फिर वे देख लेता है वे दुष्ट कालू कौवा कैसे उन बच्चों को अपने चंगुल में फंसा रहा है। सब देखकर मोंटू चिड़ा अपने बच्चों के प्यार में वो इतना ज्यादा भावुक हो जाता है, वे तुरंत पीछे से कालू कौवे को जान से मार देता है और अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेता है। परंतु तभी वहाँ तोते महाराज आ जाते हैं और वो ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, मोंटू चिड़ा तुम्हें तुम्हारे बच्चों के प्यार ने तुम्हें हत्यारा बना दिया और इसी वजह से आज तुम अपने बच्चों से दूर जाना पड़ेगा। और फिर तोते महाराज सभी की सहमति से मोंटू चिड़े को जेल में बंद कर देते हैं और फिर मोंटू चिड़ा के बच्चे के सिर से पिता का साया हट जाता है और माँ की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, इसी वजह से मोंटू चिड़ा के बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वो अपना जीवन जंगल में अकेले ही बिताते हैं।